बताओ किस तरह का माहौल स्पीति हल्के का माहौल है? बीजेपी का माहौल डगमगा रहा है, कहीं वो कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं भी कह रहे किसी गुंडा इंजाम आएगा, किसी ने कह दे मेरा साथ में तो सब किमें फूल जाएगा। इसका मतलब जो साथ हमें सही है, जो नहीं हमें नहीं है, ऐसी नहीं होती। अब मैं देख लिया पब्लिक सारी बराबर होती है, ठीक है। इसलिए हम जसवीर महल को बनाने जा रहे हैं और अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो ये बाहर का आने का क्या असर पड़ेगा यहाँ की राजनीति? इससे तो राजनीति में इस पर तो बीजेपी की भी छवि खराब हुई है, क्योंकि इसमें मतलब मेरे हल्के में जो 1.5 लाख है आदमी है, उनमें से इनको एक कोई कैंडिडेट नहीं मिला बीजेपी को। इसको तो बाहर ही कह के ना बाहर ही निकालेंगे, दोबारा नहीं आएगा ये कभी भी, नहीं कभी नहीं आएगा। और निर्दलीय बच्चन सिंघारे उनका इलेक्शन के साथ उनका खत्म हो गया, वो एक लेवर आएगा खूंटा ढोक दे बीच में, पहले कंधा 20,000 पर्ची मरब है, कदे कंधा 16 है, इब को 6 कवे है। अच्छा, इब 6 हम आप लगा लें, अंदाजा जीतेगा बनेगा किसने हरावेगा वो बीजेपी ने लेके बैठा के लगे बीजेपी जाओगी, दोनों आप पता साफ है। और जसवीर देसवाल को चुनाव चिन्ह मिला है टेलीफोन का, पहले भी टेलीफोन का था इनका, पहले भी टेलीफोन था, आज भी टेलीफोन है, टेलीफोन पे काम होंगे, किसी भाई ने ग्राम जाने की भी आंट को नहीं फोन कर यार काम हो गया। बीजेपी का जो ये मतलब गौतम जी है, ये 2-4 दिन मतलब बाजा बूजा बजाय कर अपने मतलब नारनून चला जाओगा, और वहाँ हम सुख शांति से अपने भाई जसवीर देसवाल के वोट गिरांगे और इसे विजय बनावांगे, इसका फोन को कड़ाकड़ बजाएंगे और ये उठाएगा और हमारे काम कराएगा। बीजेपी का और कांग्रेस का बताओ किस तरह माहौल उड्डा आज आ रहा है मलिकपुर गांव में 8 में? बीजेपी का भी अच्छा था जी, लेकिन ये कैंडिडेट की वजह से बीजेपी पार्टी का डाउन चल रहा है, और जैसा भी बारी तो था ही, लेकिन अब शब्द भी बोल रहे ये भाई जो मेरे साथ नहीं है उसको वोट नहीं देगा, उसका बीज नहीं जमेगा, तो बीज उसी का जमेगा बस जो उसके साथ से, तो इस तरह की मतलब इसकी घटती जा रही है जी। ठीक है, हाँ। और जो सुभाष गांगोली है वो पहले पब्लिक ने बनाए दिए थे, इनका सहयोग भी था उसमें भी, कोई बात नहीं बनाए दिए थे बढ़िया डाले, लेकिन 5 साल वैसे ही काट गए, किसी बच्चे को कोई पता नहीं सुभाष कौन है गाँव में जी। बनने के बाद एक दिन भी नहीं आए, ये मेरे गाँव साथी हैं, किसी को पूछ सकते हो आप। ठीक है। लेकिन जसवीर जी बहुत ही नेक आदमी है, आने पहले भी काम खूब करवाए थी और अब आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे काम करेंगे। रही बात दूसरी कांग्रेस की, हमारा सुभाष गांगुली है, ये विधायक भी बन चुका है, और वैसे तो मतलब हल्के को कोई शहद नहीं इसकी, इसको मतलब इसमें ये कमी रही है, जैसे जसवीर देसवाल है ये मतलब हर आदमी के साथ मतलब अटेंड करता है, सभी दो हल्का में गांव में आता, गांव में भी, और जसवीर जी मतलब एक ऐसे नेता हैं, मतलब इसको 10 साल का बच्चा भी जाकर ना मतलब कोई सवाल कराए तो उसका मतलब काम करवाते हैं। ये इसी करके मतलब हल्के में मतलब बढ़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी बताओ, बीजेपी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? हम बीजेपी की बात करते हैं, रामकुमार गौतम, हालांकि हर एक कैंडिडेट ये कहता है कि बारी है, लेकिन आपको पता है एक बार पहले भी ये यहाँ से चुनाव लड़ चुका है, और मेरे हिसाब से लगभग इसकी 1500-1600 के आसपास वोट आई थी उस टाइम पे, तो इसको बिल्कुल ही करारी हार, जमानत जब्त कह सकते हो, और यही हाल अब की बार है, अब की बार भी ये यहाँ से जीतेगा नहीं बिल्कुल भी। एक 26-27 हज़ार ब्राह्मणों के वोट सारे मिलेंगे उसने? नहीं, ये एक समुदाय है, एक जैसा हर किसी को पता है, एक हरियाणा की राजनीति तकरीबन कास्टिज्म पे चलती है, देसवाल अलग हो जाते हैं, कुंडू अलग हो जाते हैं, ब्राह्मण अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज की राजनीति, हरियाणा की राजनीति में भी काफ़ी कुछ चेंज आया है, यहाँ भी पढ़े लिखे युवक हैं जो देखते हैं कि हमारा कौन क्या कर सकता है, पिछले साल कितना विकास हुआ है, या बीजेपी ने कितना विकास किया है, या अदर कोई, हम किसी को भी ऐसे ही कोई किसी को वोट नहीं देता। आज के टाइम पे आप भी हल्के में जाते हो, पत्रकारिता करते हो, लोगों से मिलते भी हो, तो वोट है, वोट अब की बार जाति पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो बच्चन सिंह आर्य इलेक्शन कैसा है? बच्चन सिंह आर्य का इलेक्शन अब की बार ख़त्म है, क्योंकि हम देख रहे हैं सफेदों में भी लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे आपने चुनाव रैली, तीनों चुनाव रैली देखी होगी,
जसवीर देसवाल की भी, गौतम की भी, दादा गौतम की जो, और बच्चन सिंह आर्य की भी। जितना ज़्यादा शोरगुल इस टाइम पे जो हलके का माहौल बना हुआ है वो जसवीर देसवाल के साथ है। हर गांव में, हर समाज से आज भी यहाँ पे, यहाँ ये गांव है बानिया खेड़ा, यहाँ जसवीर देसवाल जी का प्रोग्राम था, तो यहाँ भी कुछ अन्य दलों को छोड़कर जसवीर देसवाल को सीधा समर्थन किया गया है। दर पे दर काफिला बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मैं तो लगभग, मेरा आइडिया है कि पिछली बार 2014 में टेलीफोन का ही निशान था, अब की बार 2024 निशान भी वही है, इंसान भी वही है, जब भी जीता था और अब भी जीतेगा। सफेदों में निर्दलीय कांग्रेस का सर, कांग्रेस के जो हमारे करंट में एम एल ए रहे हैं सुभाष गंगोली, उनके बारे में यहाँ बानिया खेड़े की जनता का कहना है कि यहाँ उन पे एक डिमांड की गई थी कि एक टोल लगा दो, और यहाँ वो खूब वादा करके गया था कि मैं जीतूं या हारूं आपका ये टोल जरूर लगा के जाऊंगा। लेकिन यहाँ बानिया खेड़े की जनता से पूछने के बाद पता चला कि ना तो आज तक वो टोल लगा और ना आज तक वो MLA जी यहाँ पे आए हैं। तो लोगों में गुस्सा है। अब आप ही समझदार हो, जान सकते हो पब्लिक का रुख क्या है, लोगों का रवैया क्या है। धन्यवाद। तो मैं तो चाहूँगा और आपके चैनल से एक अपील भी करना चाहूँगा, जितने पड़ताल देवे के भाई कोई नहीं है टक्कर में, मोर लगाओ शान से टेलीफोन के निशान पे। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का तो जी बहुत कम है, कांग्रेस का तो यहाँ पूरा रेणम का कांग्रेस की लहर है। नहीं, हमारे हल्के में तो है नहीं, जो दूसरे काम नहीं बनता किसी का भी, गरीब आदमी यहाँ रिश्वत ज्यादा चलती है, बड़े बड़े लोगों को या उनके काम बनते, गरीब आदमी का कोई काम नहीं बनता, ना किसी का कोई बच्चा लग गया, ना पहले लग गया और ना आगे लगेगा। खट्टर की और नायब सैनी की सरकार किसी रही, ये ठीक थी जी। अच्छा, खट्टर की नायब सैनी की ये सरकार ठीक थी, लेकिन हमारा तो हल्के में कैंडिडेट का गलत उतारेगा, कैंडिडेट गलत उतारेगा, इसके चलते लोगों में गुस्सा। कैसा मानते हो सरकार जो 10 साल रही खट्टर की, रही 9.5 साल नायब सैनी रहा, कुल मिला के सरकार बढ़िया थी, बढ़िया काम हुए हैं, गरीब आदमी का काम हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पीछे सिस्टम टिकट के बारे में थी, मतलब पब्लिक की राय नहीं ली, अपनी मनमर्जी चला के बारी लाके गई थी हमारे ऊपर, पब्लिक इस बात से गुस्से में है, गुस्से में ठीक। तो वोटिंग के दिन ये गुस्सा रहेगा? रहेगा क्यों नहीं, कमाल है, गुस्सा रहेगा, रिजल्ट तक रहेगा, रिजल्ट आएगा जिसमें देशवाल बनेंगे MLA और आगे इस हल्के काम होंगे खूब, ठीक है। और सुभाष गंगोली जैसे आज उड्डा भी उसके पक्ष में आ रहे हैं, दो काम उड्डा तो सदा गया उसका पक्ष में था भाई, उड्डा के करेगा काम कराना, उड्डा को सा काम तो मैं दिन करवाने हैं, वो आंदा ही नहीं कदे हल्के में। अभी सुभाष गंगोली ने 5 साल में गांव में कोई ना कुछ नहीं काम कराया, उसने कदे नहीं आया हुआ, एक बढ़िया खेड़े में एक टेबल उड़ के गया था, वो बोला मैं बनू ना बनू टेबल लगाऊंगा, जबकि बढ़िया खेड़े तो जिताया उधर गांव में थे, अच्छे वोट आए थे उसके, उसके बाद वो आया नहीं। अच्छा, ये पब्लिक सवाल करे उसने, वो टेबल भी लगवा से गया के आगे वोट क्या गए, एक टेबल वोट के गए थे वो नहीं मिला, टेबल वोट के गए थे वो नहीं मिला, टेबल नहीं लगवाया, की नोट था टेबल सुभाष ने, सुभाष नोट था लेकिन लगवाया नहीं आज तक। नाम बताओ आपका? रामवीर है जी। रामवीर है, बताओ किसका माहौल है आपका गांव में? इसका है जी वार जी जसवीर देसवाल जी, जसवीर देसवाल हां जी। और इसका राम कुमार गौतम का? नहीं जी कोई नहीं, जो नानून आया है हां जी कोई नहीं, समाधान नहीं कुछ नहीं, नहीं जी। और सुभाष गंगोली कोई नहीं, इसका क्या कारण है फिर, इसका माहौल क्यों है? ये जो आड़े घूमे फिर है जी ज्यादा समाज में जी, हल्के में लोगों के बीच में रहा है। हां जी, 14 से 19 कुछ काम करवाए उसमें इस गांव में, जब ये निर्दलीय MLA थे पहले बहुत करवाए, हाँ जी करवाए इसने जी काम करवाए हैं, इन्हें गली बनवाई फिर नहीं बनवाई, 25 लाख रुपए दिए मेरे गांव में ग्रांट के तौर पे। अच्छा। और बार बार पूछा मेरे को काम हो मेरे लायक बताओ, सरपंच जी भी गया इसने, मतलब खाली नहीं आने दिया, जो भी काम उसने क्या कराया गिर रही, फिर दूसरी बात चाहे बच्चा गया बूढ़ा गया जाने पिछाड़ गया, हाँ बढ़िया खेड़े का यू बताओ वह क्या काम है, सबसे बड़ी बात हो वह जाए आदमी ने पिछाड़ ले बैठ उठ दे आदमी, इसमें एक खूबी है, ठीक है। और बात करेंगे, नाम बताओ अपना? महावीर है जी। महावीर इसी गांव से हो? हाँ बनिया खेड़ा से हूँ। बताओ किस तरह का माहौल हल्का में? ये जसवीर देसवाल विधायक हैं जो, ये पहले भी बने हैं और हमें पहले व्रत के देखे हैं, और बीच में इसके जो और आए हैं वो भी व्रत के देखे हैं, हमें इसमें बहुत सी मतलब खूबियाँ देखी हैं, हर एक दुख सुख में ये साथी रहे हैं,
और जो भी इनके बस का काम था वो करवाए भी हैं, तो इस करके हम दोबारा इस जसवीर देशवाल के साथ हैं और इन्हीं का विजय बनाएंगे। सफीदों हल्के में राम कुमार गौतम, जसवीर देशवाल, सुभाष गांगुली का इलेक्शन कहाँ खड़ा है तीनों का? देखिए, जो राम कुमार गौतम है ये दूसरे हल्के से आया हुआ है, लोगों को इसकी पहचान नहीं, ये नहीं पता ये मतलब आदमी कैसा है कैसा नहीं। तो हल्के के अंदर तो उसी आदमी की पहचान होगी जो हल्के के अंदर आएगा, हर गांव-गांव में फिरेगा, दुख में दर्द में, ये जरूरी को नहीं बस सुख सुख में ही आए, दुख में भी तो इंसान आता है और इंसान वही माना जाता है जो दुख में भी आए। ठीक ठीक है।